नमस्ते। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सभी ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टीडियस होगा और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और मैथमेटिक्स लगाएंगे तो वो हमारे लिए सॉल्व करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे, ऐसा कोई आसान रास्ता ढूंढेंगे जिससे हमारे को ऑब्जेक्ट्स से फील्ड निकालना बहुत आसान हो। ठीक, खास तौर पे मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकल होंगे उनके फील्ड्स खास तौर पे हम निकालना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो आपका मैथमेटिक्स का लेवल है उसके बेसिस पे इस तरह के फील्ड्स निकालना ज़्यादा आसान है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ ना केवल हमें इसमें हेल्प करेगा कि हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का फील्ड निकाल सकें, बट गॉस लॉ हमारे और भी बहुत सारे काम आएगा। वास्तव में जो गॉस लॉ है ये और कुछ नहीं है, ये कूलम्स लॉ की ही एक अलग फॉर्म है। ठीक है, कैसे है वो हम बाद में सीखेंगे, बट गॉस लॉ को समझने के लिए कुछ एलिमेंट्री आइडियाज जो हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन एलिमेंट्री आइडियाज को ना केवल हम गॉस लॉ के अंदर यूज करेंगे, गॉस लॉ को समझने के लिए यूज करेंगे, बट इन एलिमेंट्री आइडियाज को हम और भी बहुत सारी जगह काम में ले सकते हैं। तो जो ये वीडियो है गॉस लॉ और गॉस लॉ से एसोसिएटेड, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, तो जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सीखना है, तो इसको सीखने के बाद आप प्रॉब्लम्स को बड़ी स्विफ्टली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम एक नया आइडिया सीखते हैं, चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं। तो सपोज ये एक वैक्टर है, से दिस इज वैक्टर ए एंड दिस इज अ पोजिशन वैक्टर यू कैन से, and let this is another vector b, clear? और इन दोनों vectors के बीच में क्या है, angle theta, clear? अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि a cross b क्या होगा, a cross b, तो आप ये कहेंगे कि a cross b is a b sin theta into n cap, where n cap is a unit normal vector, ठीक? तो क्या मतलब, अगर ये दोनों एक प्लेन में हैं, if both these are in a given plane, से मान लीजिए इस प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर है, तो ये जो n cap है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये बात आपको पता है। अब देखिए इसको, सपोज मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये किया, अब ये क्या बन गया, नाउ इट हैज बिकम पैरेललोग्राम, बना क्या नहीं बना, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के साथ अब ए क्रॉस बी को आप एसोसिएट करिए, आपको क्या याद आ रहा है प्लस वन से, ये देखिए आपने प्लस वन में क्या किया था, ए क्रॉस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड ले लिया, तो इस मैग्नीट्यूड का और इस पैरेललोग्राम का क्या रिलेशनशिप है, याद करिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं, याद है तो अच्छी बात है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो एरिया है इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए एस से, ठीक है, दिस इज एस। अब ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड एरिया है, एरिया को हमने क्या लिख दिया, एस, तो मैग्नीट्यूड तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो एस एन कैप, तो ये जो एस है, एस तो एरिया है और ये क्या है, एन कैप, क्लियर, यहां तक ठीक है। तो मैंने ए क्रॉस बी को लिख दिया एस एन कैप, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप और कह सकते हैं कि जो ये S वेक्टर होगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, S एन कैप लिख सकता हूं ना ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि जो ये वेलोसिटी है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड, और साथ में हो गई एसोसिएटेड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं एक डायरेक्शनल एलिमेंट एसोसिएट कर दूं, तो ये जो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, ये ठीक, ये मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, एक वेक्टर की शक्ल ले लेगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, ये बात आपको पता है वेक्टर के अंदर। तो इसी तरह से अब मैं एरिया को जिसको आप स्केलर कहते थे, इस स्केलर के साथ मैंने क्या एसोसिएट कर दिया, एक डायरेक्शनल एलिमेंट एसोसिएट कर दिया। तो आगे से मैं इसको क्या बोलूंगा, एरिया वेक्टर, क्या बोलूंगा, एरिया वेक्टर। क्लियर, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट्री आइडिया था, हमने उसको सीखा। हमने कहा कि अगर ये सरफेस है, कोई सरफेस है और इसका सरफेस एरिया एस है, तो मैं अगर इस सरफेस के साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट कर लूँ जो इस सरफेस के साथ नॉर्मल है, तो मैं इसको, इस सरफेस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एरिया वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे जो एरिया वेक्टर है दैट इज एस इंटू एन कैप। ठीक, तो आगे से जब कभी भी मुझे एरिया को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत होगी तो मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एरिया पूरा एस हो, कोई एलिमेंट्री एरिया हो, से ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, ठीक है, सो दिस इज डी एस, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी एस एन कैप। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। सो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट्री आइडिया था, दैट इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया एज अ वेक्टर। क्लियर, और बाय डिफॉल्ट वेक्टर रूल्स तो यूज हो ही रहे हैं यहाँ पे, ये सब वेक्टोरियली वैलिड है, तो ऐसा मानने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, सो दैट इज आवर फर्स्ट आइडिया। अब इसी आइडिया के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये शीट है, ये मेरे पास कोई शीट है, ठीक है, तो मैं इसका नॉर्मल क्या लिखूंगा, इस शीट के इस फेस का जो राइट हैंड साइड फेस है ये नॉर्मल लिखूंगा, या जो लेफ्ट फेस है इधर का नॉर्मल लिखूंगा। तो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि इसको, इस तरह की सरफेस को हम ओपन सरफेस बोलेंगे। तो अगर मैं इस तरफ को, अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं इसको लिख दूंगा प्लस आई कैप, और इधर लिख दूंगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, ठीक है, तो ये एरिया आ गया ए, तो ये डायरेक्शन है, तो इधर मैं लिख दूंगा ए आई कैप। ठीक, और अगर इधर से रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं लिख दूंगा माइनस ए आई कैप। ठीक, तो ये चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी आपके लिए नई चीज है, आपने नई चीज सीखी है, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो इसको ये वो इस तरह से समझिए कि हमारी जो जो आइडिया है एरिया के बारे में, वो अब हमने मॉडिफाई कर दिया है, एरिया को एज पर नीड हम वेक्टर की फॉर्म में ट्रीट करेंगे। क्लियर, अब इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया हम और आगे एक्सटेंड करते हैं। सपोज ये तो ओपन सरफेस थी, सपोज ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, एक पॉलिथीन का रैप है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, और इस पॉलिथीन के रैप के अंदर मैंने ये वाला, ये छोटा सा एरिया कह दिया, कहा कि ये छोटा सा एरिया डीएस है। ठीक, तो हमारी कन्वेंशन ये है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, कोई क्लोज्ड सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर वॉल्यूम एनक्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस का मतलब ही है कि अंदर कुछ वॉल्यूम एनक्लोज्ड है। ऐसी सिचुएशन में सरफेस के ऊपर जो एलिमेंट्री एरियाज हैं, अगर उनकी एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हमेशा सरफेस से अवे होंगे, हमेशा सरफेस से अवे ही होंगे। ठीक है, दिस इज आवर कन्वेंशन, सो दिस इज डी एस इस डायरेक्शन के अंदर होगा। क्लियर है, तो अगर मैं यहां इस सरफेस पे ड्रॉ करूंगा, सो इट इज ऑलवेज अवे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका अब हम एक प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सिचुएशन बनाते हैं। सपोज मेरे पास ये एक क्यूब है, दिस इज द क्यूब,
और मान लीजिए इस क्यूब के जो ये साइड्स हैं, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो क्यूब की साइड है वो है ई। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ, इट इज ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, तो अब आप देखिए क्यूब हैज सिक्स फेसेस, इसके सिक्स फेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो राइट मोस्ट फेस है इसको देखते हैं, ये वाला फेस, ये फेस, ये फेस कौन सा आ गया? तो आप इसको लिखेंगे बी सी एफ जी, बी सी एफ जी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वेयर, और इसका यूनिट नॉर्मल क्या होगा? ये इधर, और ये क्या है? आई क्या है? तो करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर क्या होगा? ये। क्लियर? अब इसी तरह से अगर आप ये देखें ए बी सी डी, ये वाला फेस, ये वाला फेस, तो इस फेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इधर होगा, एंड दैट इज जे कैप। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ए स्क्वेयर जे कैप। तो ये दिस इज द एरिया वेक्टर एसोसिएटेड विद दिस। तो इसको मैं लिख रहा हूं S1, इसको लिख दीजिए S2, तो इसको S1, सॉरी S2, दिस इज S1, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखें ये वाला फेस ADEO, तो इसका जो नॉर्मल है, क्योंकि अब ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है, इसका नॉर्मल इधर आएगा, एंड दैट इज माइनस आई कैप। तो करस्पॉन्डिंग इसको लिख लीजिए, S3 लिख दिया मैंने इसको, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वेयर माइनस आई कैप, तो इसको लिखेंगे माइनस ए स्क्वेयर आई कैप। सो दैट इज द यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद दिस फेस AOED या ADEO। क्लियर? इसी तरह से इधर जे कैप है, तो यहां क्या आएगा? माइनस जे कैप। ठीक, क्लियर, एरिया वही रहेगा। अगर हम इस फेस को देखें डी सी एफ ई, डी सी एफ ई, तो इसका नॉर्मल इधर के कैप, तो सेम वही डी सी एफ ई, सो दैट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर इज ए स्क्वायर के कैप प्लस, और जो ये बैक साइड होगी ए बी जी ओ, तो उसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस के कैप। ठीक है, तो इस तरह से मैं सभी एरिया वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। यहां पे इन सभी एरियाज के करस्पॉन्डिंग हमने एक डायरेक्शनल सेंस, डायरेक्शनल एलिमेंट एसोसिएट कर दिया, और इन करस्पॉन्डिंग फेसेस को, सिक्स फेसेस को एरिया वेक्टर्स की फॉर्म में हमने ट्रीट किया। अब आगे देखिए, सपोज ये एक लूप है, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, मैं लिख देता हूं, दिस इज अ सर्कल, सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस है आर, सर्कल का रेडियस है आर। सपोज ये कोई एलिमेंटल लेंथ है डीएल, एंड लेट दिस स्मॉल एंगल इज डी थीटा। तो आपको पता है दैट डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाय आर। क्लियर? लेंथ ऑफ आर डिवाइडेड बाय रेडियस। एक चीज अब आपको और पता है कि अगर मैं सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर कर दूं, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर, डायमीटर इज 2 आर, सो इट गिव्स मी अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज पाई। क्लियर है? और यहां पे जो एंगल है दैट इज मेजर्ड इन रेडियंस, ये किसमें मेजर हो रहा है? रेडियंस के अंदर हम इसको मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट आइए, नाउ दिस इज अ स्फीयर, ये क्या है? स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, तो स्फीयर की सरफेस के ऊपर हमने कोई ये एलिमेंटल सेक्शन कंसीडर कर लिया, लेट दिस एलिमेंटल सेक्शन इज डी एस। अब ये जो डी एस है, ये इस सेंटर पे, ये इस सेंटर पे क्या करेगा? एंगल सब्सटेंड करेगा। कैसे एंगल? सॉलिड एंगल। इसको हमने क्या लिखा? डी ओमेगा, या आपने प्लस वन में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब आपको हम यहां पढ़ा रहे हैं। सो द रेडियस इज आर। तो यहां पे भी अगर आप ध्यान दें
तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दैट सरफेस एरिया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें दैट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डायमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सो सरफेस एरिया क्या आपको पता है फ्रॉम ज्योमेट्री, दैट इज 4πr² डिवाइडेड बाय 2r² एंड अगेन इट इज अ पाई। ठीक है, तो ये टू डायमेंशन में था, उसी प्रोसीजर को हमने थ्री डायमेंशन में शिफ्ट कर दिया और हमने कहा कि जो ये रेशियो है, इसी फॉर्मेट की जो रेशियो है वो क्या दे रही है, पाई दे रही है। तो यहाँ पे जो हमको अंदर मेजरमेंट करेंगे, ये जो एंगल मेजरमेंट करेंगे, सो वी राइट दिस एंगल डी ओमेगा, दैट इज अ सॉलिड एंगल एंड दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय दिस डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। क्लियर, सो द सो दिस एंगल दैट वॉज मेजर्ड इन रेडियंस, सो दिस इज मेजर्ड इन स्टी रेडियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया है प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का। अब इस सॉलिड एंगल की क्या और तरह से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी जरूरत भी हमें आगे पड़ेगी। एक्चुअल में ये वाला जो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है ये मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो जेई में हैं वो अब इस तरह से सॉलिड एंगल पे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उनको समझने के लिए सेक्शन जरूरी है। नीट वालों के लिए और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन, ये वाला, ये सॉलिड एंगल का जो फर्दर कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत नहीं है, जेई वालों के लिए हेल्पफुल है, तो वो करना चाहे तो करे, नीट वालों के लिए हेल्पफुल नहीं है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं, सपोज मेरे पास ये कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, क्लियर, और इस एलिमेंट का जो नॉर्मल है, इस एलिमेंट का जो नॉर्मल है वो इस तरफ है, तो इसको मैंने लिख दिया डी एस, मतलब इसका जो एरिया है वो डी एस है और ये एरिया वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन कैप की डायरेक्शन इधर है और इसका एरिया डी एस है। क्लियर, अब आप ये देखिए कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, से दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सो दैट इज आर। तो इस आर के अंदर और इस डी एस में एंगल कितना है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये किसकी डायरेक्शन है, आर वेक्टर की ही डायरेक्शन है। ठीक है, अब साथ में देखिए, अब अगर मैं यहां पे ये देखिए जी, सपोज दिस एलिमेंटल सेक्शन इज सबस्टैंडिंग अ सॉलिड एंगल डी ओमेगा हेयर, दिस इज सबस्टैंडिंग एन एंगल डी ओमेगा हेयर, दिस इज से ओ। ठीक है, तो अब इस डी ओमेगा के, इस डी ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, यहां पे तो क्या था कि इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग यहां पे आर की डायरेक्शन और डी एस की डायरेक्शन सेम थी, अब यहां पे आर की और डी एस की डायरेक्शन सेम नहीं है, इस सिचुएशन को हम कैसे करेंगे, इस सिचुएशन करस्पॉन्डिंग हम सॉलिड एंगल कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो आप क्या करें, ये जो एलिमेंटल सेक्शन है ये एक प्लेन है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इस प्लेन में से पास हो रही है, सो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द एलिमेंट, द प्लेन ऑफ द एलिमेंट, इस एलिमेंट के प्लेन में से ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, एक चीज, दूसरा, अब इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए आप क्या करें, एक आर्क ड्रॉ करें, ये डॉटेड लाइन है। नाउ दिस आर्क इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जैसे ये स्फीयर है, ये सेंटर है, तो ये सरफेस है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग अब आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो आप इस आइडिया को बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको समझ आ जाए जो मैंने कहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है,
और ये स्केल होंगे तो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी जो है दैट एंगल इज थीटा, क्योंकि इस टेंजेंट और इस रेडियस के अंदर एंगल 90 डिग्री, ठीक, तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास थीटा ही होगा, क्योंकि इस लाइन और इस डीएस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये, सो दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा, सो ये एंगल भी आपके पास क्या आएगा थीटा आएगा, ये वाला एंगल थीटा आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल क्या है थीटा है, अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंटल सेक्शन की प्रोजेक्शन, इस एलिमेंटल सेक्शन की प्रोजेक्शन जो है, इस एलिमेंटल सेक्शन की प्रोजेक्शन इस स्फेरिकल सरफेस पे, ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस जो हमने इमेजिन करी है, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर ये ओ ही है, इस एरिया एलिमेंट की प्रोजेक्शन, इस एलिमेंटल एरिया की जो प्रोजेक्शन होगी, तो मैं लिख देता हूं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ डीएस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड दैट इज डी एस कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको प्रोजेक्शन का आइडिया समझ आ गया होगा, आपने प्रोजेक्शंस निकाले भी होंगे प्लस वन में, तो आप इसको ऐसे समझिए कंपोनेंट, तो ये वाला हिस्सा है एरिया, इसका कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलोंग, ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपने उसको रोटेट कर दिया ऐसे अलोंग, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है कॉस, तो आप इसको लिख दीजिए डीएस कॉस थीटा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एक तरीका है याद रखने का। तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ डीएस आ गया ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर, तो जो करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल है उसको हमने क्या लिख रखा है डी ओमेगा, ठीक है, ठीक, दैट इज डी ओमेगा एंड दैट डी ओमेगा इज डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दिस इज डी ओमेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, अगर मैं इस बात को पूरे स्फीयर के लिए एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं फॉर होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए या पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए ये भी कह सकते हैं, और फॉर होल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो स्फीयर के लिए क्योंकि निकालना आसान है इसलिए हमने ऐसे किया, नहीं तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है वो यहां पे सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करेगी, सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, सो दैट इज डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड दैट इज फाइनली इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। सो द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज 4 पाई, ठीक है। तो आपको ये वाला जो आइडिया है ये, ठीक है, इस आइडिया की जरूरत बाद में पड़ेगी, हम इसको गॉस लॉ का जो प्रूफ है जो कि बेसिकली हमारे बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वहां पे केवल इसकी डेफिनेशन है सिलेबस में, इसका प्रूफ नहीं है, बट मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो उस प्रूफ के अंदर मुझे इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने उस आइडिया के लिए और जो जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझने के लिए मुझे इस सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने इसको किया है, ठीक है। सो मैंने आपको इस सेक्शन में दो एलिमेंट्री आइडियाज बताए, एक एलिमेंट्री आइडिया आपको बताया कि आप एरिया की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आप वेक्टर फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने थोड़ा सा अलग व्यू से देखा, जो कि प्लस वन में हमने नहीं देखा। प्लस वन के अंदर तो बस हमने इतनी सी बात सीखी कि ये जो सॉलिड एंगल है दैट इज 4 पाई, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से भी हो सकती है, ये हमने सीखा। तो इस वीडियो में बस इतने तक ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट्री आइडिया है, ठीक है, उसको सीखेंगे, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो अब हमें एक नया व्यू देगी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का।